कि अभी परसों शिक्षकों का प्रोग्राम था वो, तो मैंने कहा कि कोई करप्शन की बात मैंने शुरू कर दी, तो वो मैं कहना चाहूँगा अभी इतने एसी भी इतना अच्छा काम कर रही राजस्थान में, हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ सबसे अच्छा काम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कर रहे थे राजस्थान में कर रहा है। जो पकड़े जा रहे हैं वो तो शिक्षा विभाग है नहीं, तो खाली कोई टीचर की बात नहीं थी, वो बात थी कि सब जगह हर डिपार्टमेंट करप्शन होता ही होता है, पर सरकार की मंशा करप्शन रोके कैसे, उसमें आप बताइए बड़े बड़े अधिकारी हमारे पकड़े जाते हैं, कलेक्टर पकड़े गए हैं, एसी पकड़े गए हैं, सस्पेंड तक हो गए हैं, बर्खास्त तक हो रहे हैं, ऐसे रास्ता मिलेगा आपको। इसलिए खाली शिक्षा विभाग की तो मैंने बात खाली मैंने कहा कि टीचर भी उसमें आते हैं, वो भी बेचारे तकलीफ आते हैं कि पैसे दो कहीं पर जाके, कोशिश करो अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग की, ये नौबत क्यों आए, पॉलिसी बन जाए अगर मान लो टीचर ट्रांसफर की, हर टीचर ट्रांसफर लगेगा कि मेरा नंबर कब आएगा, एक साल बाद आएगा, दो साल बाद आएगा, तीन साल बाद आएगा, तो ना वो पैसा देगा और ना करप्शन होगा, ये मेरा मकसद था उस दिन। बाकी मैंने कहा अभी तो जो पकड़े जा रहे हैं वो तो दूसरे डिपार्टमेंट पकड़े जा रहे हैं, मैं मंत्रालय जिनके जो मंत्रालय मेरे पास है उसमें कई लोग पकड़े गए हैं सब। हम तो देखिए 115 MLA ने जब 1-to-1 बात करी अजय माकन जी से, तो इससे बड़ी बात क्या होगी, 115 के 115 लोगों ने कहा उनको काम के मामले में हमारी कोई शिकायत नहीं है, इतने काम जो हमने मांगे हमें सब काम मिले हैं, कोई गुटबाजी नहीं राजस्थान के अंदर। आप खुद देखेंगे कि गुटबाजी जो अफवाह फैलाते जा रहे हैं विपक्ष वाले, गुटबाजी वहाँ पर है क्योंकि जमानतें जब्त हो रही है, कोई 30 रिक्शे आह्वान कर रहे हैं बार बार कि एक मौका दीजिए हमें वापिस, आप रिपीट कीजिए हमारी सरकार को, क्योंकि बार बार ये बदलते हैं, अच्छे काम हम करते हैं बदल देते हैं, फिर बाद में उनको खुद को पश्चाताप होता है कि ये गलती कर दी हम लोगों ने, फिर वापस हम लोग लाते हैं वो, तो एक बार रिपीट कर दीजिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि काम नवाचार भी करते हैं, हम कोई बीजेपी के काम शुरू किए बंद नहीं करते, जैसे ERCP का मामला है हमने आगे बढ़ा रहे हैं, उनको नवनेरा बांध तो शुरू हो गया काम वहाँ पर, ये पूरी राजस्थान के लिए 13 जिले के लिए पानी के लिए दूसरा भी उसमें आता है, वो लोग क्या करते हैं सरकार बदलते काम बंद कर देते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि एक बार रिपीट वापस हो, और अभी तक जनता का मूड लग रहा है जिस प्रकार बाई इलेक्शन पहले 2 जीते अभी 2 और जीत गए, पहले 2 और जीते थे 6 इलेक्शन 8 में 6 हम जीते हैं बाई इलेक्शन, मुझे लगता है जनता का इस बार सत्ता विरोधी जो एक माहौल बनता वो इस बार नहीं है, और जनता तय कर चुकी है अगली बार सरकार वापस कांग्रेस लानी है।